स्वाति मिश्रा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर घमासान छेड़ दिया है। हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया, जिसके बाद ट्विटर पे लगातार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद कई लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। वहीं कुछ लोग ट्विटर के बचाव में भी बोले। उनका कहना था कि वेंकैया नायडू का अकाउंट जो है काफी समय से इनएक्टिव होने की वजह से ट्विटर गाइडलाइन के अनुसार उसे ब्लू टिक हटा दिया गया। लेकिन वही विवादों की स्थिति फिर पैदा हो गई जब कई आरएसएस के दिग्गज नेताओं के अकाउंट से भी वेरिफाइड ब्लू टिक हटा दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ब्लू टिक किस आधार पर मिलता है और इस ब्लू टिक को हटाने के क्या कुछ आधार रहते हैं। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन को हटा दिया है। ट्विटर के इस फैसले के बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रेंड होने लगा। इस खबर के बाद से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाकर भारत के संविधान पर हमला बोला है। लोगों ने ट्विटर के इस फैसले को शर्मनाक बताया है और सवाल किया कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से ब्लू टिक क्यों हटाया। बढ़ता विवाद देख ट्विटर ने वेंकैया नायडू को फिर से ब्लू टिक दे दिया। ऐसे में लोगों को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर ब्लू टिक हटाने का नियम क्या है, ट्विटर पर किस स्थिति में ब्लू टिक को हटाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इन सवालों के जवाब। किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटने की पहली शर्त होती है कि यदि आपका अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो कंपनी ब्लू टिक को हटा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लू टिक हटाने से पहले कंपनी आपको नोटिस नहीं देगी। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़19।